हम नेटवर्क के अंदर किसी पर्टिकुलर फाइल्स को शेयर कर सकते हैं अलग अलग जगह बांटने की जगह एक पर्टिकुलर एक सर्वर पे होस्ट कर दीजिए या किसी सिस्टम के अंदर एन एफ एस सर्वर को सेटअप कर लीजिए और फिर नेटवर्क के अंदर जितनी भी पीसी हैं सब उसे एक्सेस कर सकते हैं जिससे हमें हर जगह फाइल्स को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन आज हम इसे इन्यूमरेट करेंगे विद द एन मेप सो बाई थिंकिंग एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग हमने एन मेप की सीरीज़ चला रखी है डू यू नो दैट ओके okay, नहीं जानते हो तो अभी पता चल जाएगा तो यहाँ पे एक ओबन टू सर्वर है जिसके ऊपर एक एन सर्वर चल रहा है एन सर्वर ओके okay? सो so, यही आज का हमारा टॉपिक है इसे न्यूमिनेट करेंगे एन मैप की हेल्प से और आज इसे हैक भी कर लेंगे आई थिंक इसके ऊपर कंट्रोल पा लेंगे या जो भी आप कहना चाहें एज यू कैन से और ये है हमारा जोरिन इनिन ओ ओके तो जोरिन ओ एस के अंदर एन मैप इंस्टॉल नहीं आता तो हम आई थिंक अगर आप सीरीज को फॉलो करें तो आपको पता है कि हमें क्या करना होता है ए इंस्टॉल एन मैप जस्ट सिंपल आई थिंक मुझे इसे काट देना चाहिए या इट्स प्रेटी मच लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एन मेप की स्क्रिप्ट जो कि हमें भूल गए होंगे आई थिंक वो थी यूजर के अंदर एन मेप के अंदर सॉरी यूजर के अंदर शेयर के अंदर एन मैप के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं इतना जो बोल रहा हूं ना आई थिंक ऑफकोर्ड लग रहा होगा मुझे नहीं पता मेरे को लिखने से मतलब है सो so, यहाँ पे हमारे पास एन एफ से रिलेटेड एफ ओके नेटवर्क फाइल शेयरिंग से रिलेटेड तीन स्क्रिप्ट मिलती है एल एस शो माउंट स्टेट एफ एस इन तीनों का नाम देख के अगर आपको एन एफ सर्वर के बारे में पता है या आपने कभी सेटअप किया है तो समझ गए होंगे लेकिन हम धीरे धीरे बात करेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वर्क क्या क्या कर सकता है कैसे कैसे हेल्प कर सकता है लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ स्क्रिप्ट्स दिखाना चाहूँगा मैं इसे क्लियर करता हूँ या क्लियर नहीं रन करके दिखाता हूँ सीधा तो सबसे पहले हमें होस्ट को फाइंड आउट करना है हमारे पीसी के नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या कर सकते हैं आई थिंक एन मैप या एन मैप टैग एस सिंक्रोनाइजेशन सिंग्रोनाइजेशन सेंड करेंगे किसके ऊपर वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट टू टू सिक्स ये हमारा सबनेट होगा और पूरे नेटवर्क को स्कैन करो अभिषेक और एक्चुअली फास्टली स्कैन करना थोड़ी सी प्रॉपर टाइम भी इंक्रीज कर देते हैं हमें रूट प्रिवेज चाहिए सूडो एंड इट्स रनिंग आई डोंट थिंक सोक इट विल टेक टू मच टाइम बट लेट्स वेट फॉर इट एंड तब तक मैं आपको उसका एक ओवरव्यू uh, देख के आता हूँ यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे जब मैं एल एस करूंगा तो हमारे पास एक फाइल है सिक्योर डॉट पी वाई जो भी एन एफ एन एस एफ सर्वर से कनेक्ट हो सकता है ये पता नहीं नाम ऐसा क्यों है इस सर्वर से कनेक्ट हो सकता है वो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है सिक्योर डॉट पी वाई कितनी सिक्योर में देखता हूँ एक बार कैट लिखा किसने रहने दो मैं आगे बढ़ता हूँ <laughs> ओके तो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए यहाँ पे हमें कुछ कुछ पीसीज मिल रहे हैं मेरे को लेकिन यहां से दिख नहीं रहा आई थिंक मुझे इसकी साइज थोड़ी सही करनी होगी दिस इज मच बेटर ना या ओके यहाँ पे हमारे पास एक सेक्सोरिन है जो कि हम ही है क्या कर सकते हैं और कोई और होस्ट मेरे को मिल रहा है क्या आपको दिख रहा है कोई मेरे को और कोई होस्ट नहीं दिख रहा आई डोंट नो वाई मेरे को पता है कि यहाँ पे एक ऐसा होस्ट एग्जिस्ट करता है जो कि मुझे देखना है ये रहा यहाँ पे ये है ओके okay, तुम इस होस्ट के ऊपर एक पोर्ट दिख रहा है जो कि है 2049, 2049 जो कि एन सर्वर को या प्रोटोकॉल को रन कर रहा है सर्विस को रन कर रहा है बहुत ही अच्छी बात है और इसके पास एस भी रन हो रहा है आर ब्लाइंड मतलब कि वर्नब्लू का खजाना भरा पड़ा है और ये है क्या लेटेस्ट उबड्डू सर्वर हाँ वैसे मैं आपको बता दूँ लेटेस्ट उबर सर्वर है ठीक है इसी को हैक करते हैं कितनी बकवास बात मतलब कुछ थोड़ा सा पता चल जाता है ना लोगों को तो हैक करने में बोलने में कितना मजा आता है ना इससे हैक करते हैं तो ज़्यादा मजाक नहीं है स्क्रिप्ट टेक्टेक्स स्क्रिप्ट जैसा कि हमने देखा था एन एफ एस एल एस सबसे पहले एल एस सब जानते हैं एस किस लिए काम आता है ये भी कोई बताने की चीज़ है दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ओके ज़्यादा स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं करनी चाहिए बोलने में भी दिस इज एन मैप ओके ऑन ए सीरियस नोट यहाँ पे हम एक एन एफ एस सर्विस की एल एस कमांड दे रहे हैं जो कि हमें लिस्ट करके देगा वहां पर कौन कौन सी फाइल्स हैं इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर ओके okay? हम रन करते हैं और ये चेक करेगा सबसे पहले तो इसने चेक किया और इसने हमें ये बताया कि इसने एक आर पी सी जो कि होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल आई थिंक सो लेकिन हमें एन से मतलब है जो कि एल कमांड है यहां पे वॉल्यूम है इसने हमें वॉल्यूम शो किया मतलब कौन सा पर्टिकुलर फोल्डर माउट किया गया है शेयर करने के लिए नेटवर्क के अंदर विच इज एम एन टी माउट माई शेयर डायरेक्ट्री ओके और यहां पे ये फाइल रीड राइट एग्जीक्यूटिवल के साथ मतलब जो भी है एग्जीक्यूटिवल परमिशन ये रीड राइट की परमिशन है सिक्योर डॉट पी मतलब हम इस फाइल्स को देख पा रहे हैं जो कि किसी और पी के ऊपर है दैट्स प्रिटी अमेजिंग लेकिन हमारे पास कुछ और चीजें और भी कमांड्स हैं और उसमें से एक है आई थिंक स्टेट एंड विच इज एप ये बहुत ही कमाल की कमांड है आपको ये पीसी के अंदर फाइल सिस्टम की साइज और किस तरीके से फाइल सिस्टम वर्क कर रहा है इसका थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती है जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एन सर्वर है वो इसी फोल्डर में माउट है लेकिन हम इसको तो बाद में देखें लेकिन पे कुछ और चीज़ें हमें पता चलती है लेकिन ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है हमें नहीं पता ये कौन सी साइज़ है हाँ यूज़ के समय पता चल रहा है कि 25% ऑफ दिस सिस्टम हैज बीन कवर्ड और स्टोर्ड जो भी आप कहना चाहें तो इसके लिए हमारे पास कैसे आर्ग्यूमेंट किसको याद है हाँ याद है क्या किसी को एस सी आर आई पी टी स्क्रिप्ट टैग ए आर जी एस ए आर जी एस एंड हम यहाँ पे एक एन एफ एस स्टेटस स्टेटस नहीं स्टेट डॉट एच यू ह्यूमन इक्वल्स टू वन अब ये कमांड मैंने कहाँ से देखी मैंने पहले वाली वीडियोस के अंदर बताया है कि हम हेल्प कमांड कैसे देख सकते हैं हम स्क्रिप्ट्स को कैसे देख सकते हैं उनकी हेल्प मेन्यू कैसे देख सकते हैं तो हमें यहाँ पता चल रहा है इसकी टोटल साइज़ अट्ठारह जी है जिसमें से यूज हो चुकी है इतनी अवेलेबल इतनी एंड यूज़ केस ये मुझे पता नहीं मैक्स फाइल साइज़ क्या है यह टी का मतलब यहाँ पे क्या है आई डोंट नो टेराबाइट तो नहीं है डेफिनेटली नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास साइज़ है वो है ट्वेंटी मैंने जो उस वर्कशॉट बॉक्स में असाइन की थी ओके ये हमें मिल गया हमें फोल्डर ही पता चल गया लेकिन अभिषेक ओके हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली लेकिन अब हम पे उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए आपको पता चल चुका है कि उसके ऊपर एक सिक्योर डॉट पी वाई नाम की फ़ाइल है ओके तो चलो वो बहुत ही आसान काम है हम यहाँ पे करेंगे सूडो अब जब हमें पता चला चल चुका है न्यूम्रेशन के अंदर तो हम उसे थोड़ा सा माउट भी कर सकते हैं एक्चुअली और हम यहाँ पे टैक्टी कौन सी सर्विस हम इस्तेमाल करेंगे एन एफ एस एंड देन दई पी एड्रेस वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट मैं इतनी तेज तेज बोलने की आदत है इतनी होती है ओके okay, हाँ अब अपनी जो डायरेक्टरी है वो तो देना होगा ना कहां पे इसे कहाउट करना है हम डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फाइल बनाया है, है एक फोल्डर बनाया है एक्चुअली विच इज एन एफ एस करंट फोल्डर जिसपे मैं अभी हूँ भी यहाँ पे माउंट हो चुका है एलेस करके देखते हैं नथिंग नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं नैनो एंड विच इज पाइथन डॉट पी वाई लेट्स रन दिस इम्पोर्ट वी यू एल ई एन आर कुछ भी दिस इज मी दिस ओके सेव एंड लेट्स सी कि ये चीज वहाँ पे अवेलेबल होती है या नहीं नहीं होती होगी मेरे को क्या है एल एस करके देखते हैं अगर है तो ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है तो कैन यू सी गाइस कैट पाइथन डॉट पी वाई हमने इस फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ अपलोड कर दिया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है चलो यहाँ से भी हम कुछ अपलोड करते हैं अगर कोई सर्वर पे कोई कुछ चीज़ अपलोड करता है तो हम देख सकते हैं नैनो एंड देन दे दिस डॉट टी एक्स टी इस बार टी एक्स टी फाइल बनाते हैं दिस इज मी किसी ने सुनाइएगा ना वैसे मैंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया पढ़ाने का मतलब बताने का पढ़ा कौन रहता है ये बोरिंग स्कूल वाला स्टफ मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है एलेस कुछ भी नहीं आया एलेस टैग एल ए तो यहाँ एक पाइथन की फाइल तो आ गई है लेकिन एक फाइल नहीं आई है आई डोंट नो वाई मुझे नहीं पता वापस से माउट कर लेते हैं एंड वापस से ट्राई करते हैं नहीं आई है आई थिंक मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई कभी भी आ सकती है कभी भी आ जा सकती है लेकिन हमारे पास एक और स्क्रिप्ट थी जहाँ तक आपको याद है एलेस हम फाइल्स तो देख ही सकते हैं रिस्ट्रिक्ट ने किया है हमको किसी ने नहीं किया खुल जा ओ, क्या बात है दिस डॉट वही रीड राइट इंफॉर्मेशन है ग्रुप के अंदर यूजर के पास सो दिस इज हाउ यू कैन इन्यूमरेट नेटवर्क फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल जो कि बहुत ही आसान था वनडेबल हो सकता है अगर आपको भी ऐसा लैब सेटअप करनी है तो हाँ मेरा डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं वहां पे आपको कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पे आप वर्डेबल और सिक्योरली भी इसको सेटअप कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर हम एन सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं बट वहाँ पर एस है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है सो दैट्स इट फॉर टू डिस्ग गाइज हमने इन्यूमरेट कर लिया है हमने बहुत सारी चीज़ सीख ली है हमने एनमेप की सीरीज को बहुत आगे तक लेके आए एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट हिट द लाइक शेयर बटन जो भी है सब्सक्राइब का बटन होता है लाइक like का बटन होता है एक्चुअली जब मैं ऐसी बातें करने लगा जब तुम्हें समझ जाना चाहिए वीडियो खत्म हो गया टाइम वेस्ट मत करो कहीं और जाके वीडियो देखो हाँ एक चीज़ मेरे को बतानी थी जाते जाते मेरी वीडियोज़ को है ना तुम प्लेबैक करके स्पीड बढ़ा के देखा करो मेरी क्या किसी की भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।, है ना बिल्कुल भी नहीं यूट्यूब के अंदर प्लेबैक की स्पीड बढ़ाना आता है ना नहीं आता आ जाएगा जाके सेटिंग्स पर सर्च करना ओके क्या जाओ थैंक यू सो मच वॉचिंग आई सी यू सून गुड बाय